मैं स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया था, मेरे राइट लेग में मैं स्टेबिलिटी प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब मैं एकदम से खड़ी नहीं हो पा रही थी, चलना फिरना तो हो पा रहा था लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मैं लड़खड़ा जा रही थी। तो उस केस में फिर मैं अपोलो आई, डॉक्टर कमल किशोर, फिर उनसे मैंने कंसल्टेशन लिया। MRI कराने के बाद उनकी प्रॉब्लम की डायग्नोसिस एज अ ACL इंजरी डायग्नोस्ड हुई, जिसका ट्रीटमेंट हम लोगों ने कोशिश की कि पहले कंजर्वेटिव तरीके से हो पाए और सर्जरी अवॉइड कर सकें, क्योंकि उनकी कुछ मेडिकल इश्यूज थे। विद टाइम ये समझ में आया कि उनके जॉइंट में इनस्टेबिलिटी ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से वो अपनी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रही थी। तो हमने उन्हें काउंसिल किया इस चीज़ के लिए कि वो सर्जिकल ऑप्शंस को कंसिडर करें। तो फिर इसलिए फिर मैं ACL सर्जरी डॉक्टर कमल किशोर के द्वारा ही जो की हुई है, तो सर्जरी बहुत स्मूथली गई, मुझे अभी तक एक बार भी कोई भी पेन भी नहीं लगा है। रिहैबिलिटेशन के बाद वो दो हफ्ते में उन्होंने अपना स्टिक वगैरह सब कुछ छोड़ दिया और अभी 2 से 3 वीक्स में उनकी सारे नी के मूवमेंट्स नॉर्मल हो गए और इंडिपेंडेंटली स्टेयर क्लाइंबिंग, साइकिलिंग वगैरह सब कुछ कर पा रही है। तो बहुत ही फ्रेंडली हैं, बहुत ही नॉलेजेबल हैं, बहुत ही अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं साइंटिफिक तरीके से और प्रॉपर आपको सेटिस्फाइड, जब तक आप ना हो तब तक वो उस चीज के लिए निरंतर प्रयास भी करते हैं। अपोलो की सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं, हर तरीके से सेटिस्फाइंग है, यहाँ के जितने भी स्टाफ लेवल पे सभी सही हैं, सभी का ऑप्टिमम स्टाफिंग है यहाँ पे, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है।